चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से इस बीच जानकारी है, उसका रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि जो अपडेट सामने आ रही है जबलपुर से, सार्वजनिक स्थानों पर, अवैध धार्मिक स्थलों पर सख्ती बरती जा रही है। अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है पूरे मामले पर। अतिक्रमण नहीं हटा तो अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, 2014 से अब तक नहीं हट पाए अवैध धार्मिक निर्माण। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई अब होगी, ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही थी हाईकोर्ट और सुनवाई के बाद आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से सख्त तेवर जो है दिखाए गए हैं। अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है सीधे तौर पर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। अतिक्रमण नहीं हटा तो अधिकारियों पर कार्यवाही होगी, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है ये। तो 2014 से अब तक नहीं हटा पाए अवैध अतिक्रमण, याचिका में कहा गया है ये, और याचिका पर सुनवाई हुई, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सख्त तेवर दिखाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही होगी। अब इस बीच हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे सबसे पहले याचिका को लेकर। याचिकाकर्ता ने याचिका में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी? बिल्कुल, देखिए सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक स्थलों का ये पूरा मामला है और इसको लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी और लंबे समय से इस याचिका पर सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट कर रहा है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ने आदेश जो है वो दिए थे और कई कार्रवाई जो है वो शहर में इस तरीके के अवैध धार्मिक स्थलों पर हुई भी है, लेकिन पिछले कई सालों से जो है वो ये इस कार्रवाई पे कहीं ना कहीं आगे कोई कुछ ठोस नहीं हुआ और इसी को लेकर एक बार फिर याचिकाकर्ता ने जो है वो कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया था और इसी के बाद हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं फिर से एक बार सख्ती जो है वो इन अवैध धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर, अवैध धार्मिक स्थलों के मामले पर दिखाई है और साफ तौर पर कहा है कि अगर जो अतिक्रमण है अगली सुनवाई पर जो उन पर कार्रवाई नहीं होती तो अगली सुनवाई पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कहीं ना कहीं अवमानना की कार्रवाई जो है वो हाईकोर्ट करेगा। क्योंकि याचिका में सीधे आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि जो जबलपुर कलेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है और इसलिए इन जो अतिक्रमण है इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा भी जो हाईकोर्ट में लिस्ट सौंपी गई थी इस तरीके के अवैध धार्मिक स्थलों की, उनकी सूची में तो कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा बढ़ अलग है तो ये भी हाईकोर्ट में याचिका के जरिए बताया गया। तो 6 दिसंबर को पूरे मामले की सुनवाई होनी है और देखना होगा कि क्या कुछ जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में आगे करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में क्या रखते हैं। जी, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से धार्मिक स्थलों की बात जो है सामने आई है राजेश, इसको लेकर जो धार्मिक संगठन है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी धार्मिक संगठनों की बात सामने आती है और किसी ऐसे स्थान की बात सामने आती है तो लोगों में आहत जो है, लोगों में ठेस जो है वो काफी ज्यादा पहुंच जाती है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने जब पहले आदेश दिए थे 2010 के पहले तो जबलपुर में बड़ी जो कार्रवाई है वो हुई थी और एक नजीर कहीं ना कहीं देश में बनी थी जब 450 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल इस तरीके से लोगों के प्रयास से, जो लोगों के सामंजस्य से और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने हटाए थे। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर इस तरीके के धार्मिक जो अतिक्रमण वाले हैं वो बढ़े हैं और इन पर कार्रवाई जो है वो 2014 के बाद नहीं हुई। 2019 में भी इस याचिका के जरिए मामले को उठाया गया था। 2021-22 में हाईकोर्ट में ये कहा गया था कि चूंकि कोरोना काल था इस वजह से कार्रवाई कहीं ना कहीं प्रभावित रही और कर नहीं पाई, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में याचिका के जरिए ये मामला उठाया गया और अब हाईकोर्ट कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी।